डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिफ्थ क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो टॉपिक चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है पॉलिश वाला। देखिए, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका ये जो टेस्ट आ रहे हैं वहाँ तक का सिलेबस पूरा हो जाएगा और ये यही सिलेबस आप लोगों का, ठीक है, इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, इसकी आज हमें रीडिंग करनी है। ओके, क्या करना है, इस चैप्टर की रीडिंग कर दी है। देखिए ठीक से, चांदी सोने के जेवर पॉलिश करवा लो, नया बना लो। गली में एक आदमी आवाज लगा रहा था, संजीदा ने दरवाजा खोल कर देखा। ठीक है, क्या क्या संजीदा ने दरवाजा खोल कर देखा। एक शरीफ दिखने वाला आदमी साइकिल पर चढ़कर आवाज लगा रहा था, वो देखते ही कहने लगा, बहन जी सोने चांदी के जेवरों पर बहुत सस्ते में पॉलिश करा लीजिए, बिल्कुल नए जैसे दिखेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगी कि नए हैं या पुराने। कितने रुपए लोगे, संजीदा ने पूछा। ठीक है, क्या पूछा, कितने रुपए लोगे। देखिए सर, चांदी के 2 रुपये और सोने के जेवरात के 10 रुपये, वो आदमी बोला। संजीदा सोचने लगी कि 2 रुपये में चांदी का जेवर चमक जाएगा, जाए तो क्या बुरा है। इसने अभी 1 महीना कबल मतलब पहले चांदी के कड़े खरीदे थे, महीने भर तक लगातार पहने रहने के सबब मतलब वजह वो कुछ काले से पड़ गए थे, इनकी चमक पहले जैसी नहीं रह गई थी। 8-10 दिन बाद ही संजीदा को एक तकरीब में अपनी सहेली के यहाँ जाना था। वो सोचने लगी कि अगर कड़ों पर पॉलिश करा लूँ तो पहनना अच्छा लगेगा। फेरी वाले की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के घरों से 2-4 औरतें और बाहर निकल आई थीं। फेरी वाला इनसे भी कह रहा था, बहन जी जेवर चमक वालो, नए बनवा लो। औरतें अभी राय मशवरा कर रही थीं कि इस आदमी की नज़र एक औरत के हाथ के अंगूठी पर गई। वो बोला, बहन जी लाइए ये अंगूठी उतार कर मुझे दीजिए, मैं अभी इसे बिल्कुल नई जैसी बना देता हूँ, आपसे इसके पैसे भी नहीं लूँगा। फिर अगर आपको काम पसंद आए तो कराइए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। औरत ने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। इस आदमी ने साइकिल पर रखी एक छोटी सी पेटी उतारी और एक घर के बरामदे में सामान रख कर वो बैठ गया। अंगूठी सर्फ में धोई गई, खूब रगड़ी गई, फिर किसी रसायन में डालकर कपड़े में चमकाई गई। कुछ ही देर में वो औरत के हाथ पर रखी थी एकदम नई जैसी, दप दप करती चांदी सी किरने बिखेरती दिखाई
देखा बहन जी आपने कैसे चमक कैसे आपने देखा बहन जी आपने कैसे चमक गई ये जेवर चमकाने में पैसे भी कितने कम लगेंगे, बस 2 रुपये, इतने रुपये तो छोटी मोटी चीज़ों में यूं ही खर्च हो जाते हैं, फेरी वाला बोला। 2 रुपये की तो कोई बात नहीं, औरतें बोलीं। वो अंगूठी की चमक देखकर खुश हो गई थीं। एक औरत अपनी चांदी की जंजीर ले आई, संजीदा भी अंदर जाकर अपने कड़े ले आई। पहले वाला तरीका फिर दोहराया गया। थोड़ी देर में एक के हाथ में चमकती हुई जंजीर रखी थी और दूसरी के हाथ में कड़े। दोनों ने फेरी वाले को खुशी खुशी दो दो रुपये दे दिए, साथ ही फिर आते रहने के लिए कह दिया। संजीदा सहेली के यहाँ गई तो उसके नए नए कपड़े अलग ही चमक रहे थे। इनकी डिज़ाइन तो बारीक कंगन की थी, कटिंग की थी ही। सहेलियों ने कड़ों की तारीफ की। संजीदा मन ही मन हंस रही थी। 2 रुपये का कमाल है ये, दिल ही दिल में वो खुश हो रही थी। 2 रुपये का कमाल है ये, 2 रुपये का कमाल है ये। हादसा होते देर नहीं लगती। संजीदा के शौहर ऑफिस जाते वक्त स्कूटर की चपेट में आ गए। इनकी हड्डी टूट गई और अस्पताल में रहना पड़ा। 2 आमीन बहुत पैसा उठ गया, दवा में बहुत पैसा उठ गया। इन्होंने नौकरी 2-3 महीने पहले ही शुरू की थी। नौकरी पर ना जाने से तनख्वाह मिलने का सवाल ही नहीं था। रुपयों की ज़रूरत होने पर संजीदा सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। औरतों के जेवरात सिर्फ जिस्म की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ही नहीं होते, बल्कि ना कहानी मुसीबतें आने पर इनका इस्तेमाल करती हैं। संजीदा का ध्यान भी अपने जेवरात पर गया। वो कड़े और 1-2 चीज़ लेकर घर से निकली। कड़े इसने 2-3 महीने पहले ही ख़रीदे थे, इसलिए सोचा कि इसी दुकान पर जाया जाए जिससे ख़रीदे थे। जितने में लिए थे थोड़े बहुत कम होकर रुपये मिल जाएंगे। संजीदा ने दुकानदार को सबसे पहले कड़े ही पकड़ाए। इसने उन्हें तोला और रुपये संजीदा के हाथ में रख दिए। संजीदा ने जितने में लिए थे इससे 150 रुपये कम। वो हैरत में पड़ गई। 2 माह में ही दुकानदार अपनी चीज़ को वापस 150 रुपये कम देकर कैसे ले रहा है? 20-30 रुपये कम होने की बात तो समझ में आती है, पर पूरे डेढ़ सौ रुपये कम हो जाए तो ये भला? कैसे मुमकिन है? फिर सोने चांदी की चीज़ खरीदने का फ़ायदा ही क्या रहा?
लोग उन्हें खरीदते ही क्यों हैं कि वक्त के साथ इन की कीमत में इजाफा होता रहे। संजीदा ने कपड़े खरीदते वक्त जो पर्चा कड़े खरीदते वक्त जो पर्चा दुकानदार से लिया था, इसे निकाल कर इसे दिखाया। इस पर वज़न वगैरह का भी पूरा तफसील लिखी हुई थी। दुकानदार भी हैरत में कि पर्चे पर जितना वज़न लिखा है तोल में इससे कम क्यों आ रहा है, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। वो मन ही मन सोचने लगा, इसने कांटे पर रख कर कड़े दोबारा तोले, इसकी तोल ठीक थी। इसने संजीदा से कहा, बहन जी ये वज़न में दो तोले कम हैं। वाह, 2 महीने में 2 तोले कम कैसे हो जाएंगे, संजीदा बोली। फिर वो जोश और गुस्से में आकर कहने लगी, हमें तो कुछ पता नहीं जी, पहले भी आपने तोले थे और अब भी आप ही तोल रहे हैं। संजीदा ने कहा, ये तो सीधा साधा दुकानदार पर इल्ज़ाम था। वो कहने लगा, बहन जी हमारी इतनी बड़ी भरोसे की दुकान है, हम इस तरह का गलत काम नहीं करते। मुझे खुद भी हैरत है और ताज्जुब है कि वज़न इतना कम कैसे हो गया। फिर वो कुछ सोचते हुए कहने लगा, ये अभी भी इतने चमक कैसे रहे हैं, आपने इन पर पॉलिश भी कराई है क्या? हाँ पॉलिश तो कराई है, संजीदा ने कहा और फेरी वाले से पॉलिश कराने की पूरी बात बता दी। दुकानदार कहने लगा, बस अब मैं पूरी बात समझ गया, ये सब पॉलिश वाले की क्या है मेहरबानी है, उसने आपसे पॉलिश करने के 200 रुपये वसूल किए हैं। संजीदा का सर चकराने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, आँखों के सामने ही तो उसने पॉलिश की थी। दुकानदार ने बताया कि फेरी वाले ने जिस एसिड में कणों को डाला था, 2 तोले चांदी उसी में घुल गई, अपने जेवर भी अनजाने आदमी को सुपुर्द नहीं करने चाहिए, सफाई तो घर पर ही कर लेनी चाहिए। संजीदा ने हमेशा के लिए सबक ले लिया, पर नुकसान उठा कर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मेंटेन कर लीजिएगा, रीडिंग आपसे पूरी तरीके से आनी चाहिए।